ऐ राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तंबों के तलबगार बहुत और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की इस डॉक्यूमेंट्री के 8th पार्ट में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपको सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताऊंगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये एक जंग थी जो 1780 से शुरू होकर 1784 तक चली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर हुकूमत के दरमियान। ये जंग बेसिकली 4 साल तक चली थी। एक तरफ थे मैसूर, अरक्कल किंगडम, नवाब ऑफ सावनूर, नवाब ऑफ बागनपल्ली, फ्रांस और डच रिपब्लिक, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हैवनोर और ग्रेट ब्रिटेन। और इस जंग में जिन कमांडर्स ने भाग लिया था उन कमांडर्स के नाम हैं मैसूर की हुकूमत की तरफ से हैदर अली, हज़रत टीपू सुल्तान, करीम खान साहब, सैयद साहब, सरदार अली ख़ान, मखदूम अली, कमालुद्दीन, हुसैन अली ख़ान और एडमिरल सुफ्रेन और मार्कस डी बुसी फ्रांस की तरफ से थे। और एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सर एयर कोट, हेक्टर मुनरो, रिचर्ड मैथ्यूज, जॉर्ज एम्पटेज और एडवर्ड ह्यूग्स। वैसे तो इस जंग की कई वजह थी मगर जो मेन वजह बनी वो था फ्रांस का ब्रिटेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना। उससे पहले जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश की हार हुई थी तभी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से किसी तरह से बदला लेना चाहती थी। और हैदर अली भी ब्रिटिश से बेहद नफरत किया करते थे क्योंकि वो एक गद्दार कौम थी। बार बार जिनको कहने के बावजूद भी वो अपनी लूट मार से बाज नहीं आ रहे थे। मगर इन चेन ऑफ इवेंट्स के बीच फ्रांस में ब्रिटेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था 1778 में। मगर ब्रिटिश ने उस बात का बदला हिंदुस्तानियों पे लेना चाहा। आपको इस बात पे मैं बता दूं कि ये वॉर जो फ्रांस ने ब्रिटेन पे डिक्लेयर किया वो हिंदुस्तान में नहीं था। उस ज़माने में छोटे छोटे पोर्ट्स हुआ करते थे जैसे कि पांडिचेरी, माहे, मालाबार कोस्ट, इन सब जगहों पे अलग अलग शासनों का राज हुआ करता था। जैसे कि गोवा में पोर्चुगीज़ थे, पांडिचेरी और माहे में फ्रेंच का कंट्रोल था और कुछ जगहों पे डच का भी कंट्रोल था। मगर ब्रिटिश ने भारत में उन आउटपोस्ट पे हमला करना स्टार्ट कर दिया और पहला हमला पांडिचेरी पे किया गया था और वहाँ पे हमला करके पांडिचेरी पे कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिश ने। और उसके इमीडिएट बाद पांडिचेरी को पूरी तरह से तहस नहस करके वहाँ से ब्रिटिश आगे बढ़े और माहे बंदरगाह पे भी अटैक कर दिया। माहे बंदरगाह हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उस ज़माने में क्योंकि वो एक ऐसा पोर्ट था जहाँ से बाहरी सामान लाया और ले जाया जाता था ट्रेड के लिए, चाहे वो वेपन्स हो एंड ऑल। और माहे पोर्ट जो था वो डायरेक्ट मैसूर हुकूमत के अंडर में आता था। हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार खत भेजा और कहा कि माहे और पांडिचेरी रियासत मैसूर की प्रोटेक्शन में आती है, उस पर हमला ना करें, और उस पर हमला करने का मतलब मैसूर सल्तनत से टक्कर लेने जैसा है। मगर एज़ यूजुअल ब्रिटिश ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और माहे और पांडिचेरी के लोगों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे हर रोज़ हैदर अली के पास कई खबरें आने लगी कि अंग्रेज़ों ने जुल्म की इंतहा इतनी कर दी है कि आम लोगों को मार के उनके जिस्मों को समंदर में फेंका जा रहा है। पहले तो हैदर अली ने मराठा और निज़ाम हैदराबाद को इस सिचुएशन के बारे में ख़बर दी और उन लोगों को साथ देने की भी पेशकश की, मगर उस बात को मराठा और निज़ाम दोनों ने इग्नोर किया। तो हैदर अली खुद ही इस लड़ाई को लड़ने की ठानी और 1780 में इस जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग को सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं और ये एक ऐसी जंग थी जिसमें अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों के जज्बे का और बहादुरी का सामना करना पड़ा। ये वही जंग है जिसमें शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने वो नज़ारे दिखाए हैं अंग्रेज़ों को कि आज भी अंग्रेज़ ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर मैदान जंग में टीपू आ जाए तो मैदान जंग हमारे लिए जहन्नम बन जाता है। तो दोस्तों इस जंग में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं
और उन सबको मैं एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बैटल ऑफ ब्रेवेट और बैटल ऑफ पोलिलूर के बारे में भी बताऊंगा, जो इसी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एक हिस्सा थी। और बाद में चल के जब नवाब हैदर अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो हज़रत टीपू सुल्तान को बादशाह बनाया गया, उस वाक़े के बारे में भी मैं इसी सीरीज़ में बात करूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।